जयलर का अधीश जयकाल भैरव, जय मरिमा। पांच टॉपिक हैं आज की उनकी दिल की बातें। 7 नवंबर सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, पहला है ये टैरो, देन वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शंस, वी गॉट द फॉर्चून कुकीज, वी गॉट द रिलेशनशिप ओरेकल एंड वी गॉट द एंजल गाइडेंस। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स से हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स फर्स्ट डू द मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले। जहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, वो चीज़ सही करने की ताकत हमें मिल जाए। कई बार हमें पेशेंटली वेट करना होता है, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले लेते हैं टैरो एंड करते हैं शफल। ठीक है, हम चुनेंगे सिर्फ कुछ कार्ड। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड चुनते हैं पहला कार्ड। ओके, करते हैं शफल। यस, तो दो कार्ड हमें मिल चुके हैं, देखते हो क्या है। जो पहला कार्ड है वो है 4 of Cups एंड जो सेकंड कार्ड है वो है 2 of Cups। दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर साइन के हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली भावनाओं में लिप्त हैं, यू नो, एंड कनेक्टेड टू हिज और हर पास्ट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो ढूंढ रहा है, अतीत में उसकी खोज कर रहा है, बिकॉज प्रेजेंट में उसे वो मिल नहीं रही है। शायद वो अपना भविष्यकाल सुनहरा करना चाहता है। ठीक है, अब क्योंकि सैटरडे संडे तो हो चुका है, मेरे हिसाब से ये पर्सन दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करना चाहता है, या फिर एक ऐसा मोमेंटम जहाँ पे सिर्फ आप हो, या फिर वो आपको कहीं पे खाना खिला रहे हैं, या फिर आपसे बातें कर रहे हैं, यू नो, तो एक ऐसा मोमेंटम वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए क्या स्पेशल पहनना है, या फिर वो कौन सी स्पेशल जगह हो सकती है जहाँ पे आप मिल सकते हो, तो इसके लिए आई थिंक ये अपने अतीत में झांक रहे हैं। इनको पूरा भरोसा है कि इनको कोई ना कोई इंट्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि अगर हम 2 of Cups को देखें तो उनको यकीन है कि आप भी उतना ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जितना कि ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है एंड इट्स ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है स्ट्रेंथ। तो लियो का कार्ड आ गया है 3rd नंबर पे। अगर हम इस कार्ड को देखें तो इसके लिए स्ट्रेंथ मतलब कि भाई वो साहस जुटाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहस का मतलब ये नहीं कि भाई पैसे कमाना या फिर बताना कि भाई मैं कितना रिच हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो है कि आपके सामने खुद को प्रेजेंट करना, यू नो, जिसे हम प्यार करते हैं, उसके सामने खुद को प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता। तो वो मेहनत ये पर्सन कर रहा है, अपने अंदर इतने चेंजेस करने की कोशिश ये पर्सन करता हुआ हमें दिख रहा है। यस, वी गॉट अनदर कार्ड जो कि है 2 of Swords। अगर हम इस कार्ड को देखें, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कम्युनिकेशन का साइन, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बेसिकली अपना पास्ट और अपना प्रेजेंट कंपेयर कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं कि ये जो आपका पर्सन है, आप जिस तरह से उससे बात कर रहे हो, मिल रहे हो, या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, क्या ये पर्सन अपने भूतकाल से कुछ सीखा है या फिर नहीं। तो ये भी सवाल आता है कि अगर ये पर्सन कुछ सीखता है तो डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर में ग्रो अप कर सकता है एंड आपका रिश्ता काफ़ी बेहतर हो सकता है। हालांकि अगर इस पर्सन ने आपको अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है, सिर्फ गेसिंग में ही आपको रखता है, यू नो, मेरा एक रीडिंग था गेसिंग गेम करके, मैं वो सीरीज़ डालता था, तो वैसे ही जो सीरीज़ है यहाँ पे या फिर वैसे जो थिंकिंग है, अगर ये पर्सन वैसा ही कंटिन्यू कर रहा है तो आपको भी अंदाज़ा नहीं आ पाएगा कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एक दो कार्ड हम और चुनते हैं फ्रॉम द टैरो, देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है, यस, ये आ गया एक कार्ड। That's all about the 6 of Cups. यहाँ पे actually इस person को help लेने की ज़रूरत है, that is a very good thing. अब help हर प्रकार की हो सकती है, emotional help हो सकती है या फिर materialistic help हो सकती है। ठीक है, जो situation इसके सामने है उस तरह की help आप इस person को करने के बारे में सोच सकते हैं। Next जो final card हमें यहाँ पे दिखा है from the tarot itself, ये है 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ये आ गया है final card and उसमें दिखता है कि ये पर्सन जो है वो एडिक्टेड हो चुका है आपसे, एंड जो प्यार आपसे मिलता है एंड वो जो खामोशी है एंड वो जो एहसास है, फिर चाहे आप मैरिड हो नहीं हो, लेकिन आपके बारे में सोच के ही जो उसको, उसके दिल को सुकून मिलता है, यू नो, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि
यू नो थके आ रहे, अगर आप घर पे आते हो एंड वो चेहरा दिखे या फिर उस चेहरे से मैसेज आपको मिले, तो वो जो सुकून दिल को मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। ये था रिगार्डिंग द टेरो। और अब देखते हैं फॉर्चून की, एक आपके लिए एक उनके लिए करते हैं शफल। लेट्स कनेक्ट टू इट। एक चुनते हैं पहले आपके लिए एंड देन उनके लिए। ये आ गया आपके लिए और ये उनके लिए, ठीक है। तो दो को केस हमने चुने हैं। जो सबसे पहला कार्ड था वो था आपके लिए। हालांकि जो एनर्जी है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपके लिए जो कार्ड है वो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। पहला जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन, तो आई थिंक ये कार्ड मोस्टली आपके लिए हो सकता है और इस पर्सन के लिए भी जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोशिश करते रहना है, हमेशा कहना है यूनिवर्स से, हमेशा कहना है अपने आप से एंड भगवान से कि भी जो मैं सोच रहा हूँ वो हकीकत में हो रहा है, एक्चुअली में मुझे प्यार मिल रहा है और मैं अपने दिल में सुकून पा रहा हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अलावा कोई भी और मेरे ज़िंदगी में नहीं है एंड वो प्यार मुझे डेफिनेटली मिल रहा है, यू नो। तो ऐसी कुछ मैनिफेस्टेशन अगर ये पर्सन कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, शायद आप भी कर रहे होंगे। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखता है वो है भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स। अगर हम ये कार्ड देखें जो स्पेसिफिकली इनके लिए हैं, तो जो प्लान्स ये बना रहे हैं वो मोस्टली वर्कआउट नहीं होंगे। ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी इनको परखने की कोशिश कर रही है। ओके, जैसे कि होता है ना एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यू नो कंट्री में होता है या फिर बिल्डिंग में होता है, यू नो या फिर हम कहें कि जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे होता है कि एग्जैक्टली अगर कहीं पे कुछ हो गया, फायर लग गई या फिर क्या हो गया, तो क्या आप करोगे, तो उसी के बारे में अगर ये पर्सन अभी नहीं सुधरेगा तो कैसे सुधरेगा, यू नो। तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट चल रही है इस पर्सन की, तो जो कुछ प्लान ये पर्सन शायद बना रहा है वो शायद वर्कआउट नहीं होंगे। जैसे कि मे बी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना है लेकिन क्लाइंट ही नहीं आ गए, या फिर अचानक से क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करने की जिम्मेदारी इनको मिल सकती है जो उन्होंने अब तक नहीं किया है, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी रेस्ट लेना इम्पॉर्टेंट है एंड हो सकता है तो आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और उनको शांत करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो। ये था रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकीज। नाउ वी विल कनेक्ट विथ द डिवाइन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं दो से तीन कार्ड एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चुनते हैं पहला कार्ड एंड दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। तो ये है नेचर, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये जो नेचर है इस पर्सन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये पर्सन अपने नेचर के अनुसार बिहेव कर रहा है या फिर अपने नेचर के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि ये फिर इसके रिश्ते के लिए बहुत अहमियत वाला सवाल क्रिएट कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पॉजिटिव, यानी कि भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, होने वाला भी है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे कहते हैं स्माइल, आपके सामने अगर कोई योद्धा भी आ गया लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो वो आपको भी यू नो स्माइल करेगा एंड ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। थर्ड कार्ड देखते हैं फ्रॉम द डिवाइन डायरेक्शंस, जो कि है भाई इस पर्सन के और आपके लिए एंड दैट इज़ ऑल अबाउट आस्क। यानी भी जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है, फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो ये स्पेसिफिक कार्ड है। यहाँ पे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है। अगर ये आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपको खुद इनसे कुछ पूछना चाहिए, तो हाँ आप ज़रूर इनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। या गया पहला कार्ड जो कि है पैशन। इनकी आंखों में हमें पैशन दिखती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन अपने पैशन को फॉलो करता हुआ हमें दिख सकता है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम पैशन को देखें तो फायर साइन यहाँ पे आते हैं एरीज लियो सांझ। ये पर्सन एक्चुअली बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोमांस हो सकता है, सेक्सुअलिटी भी हो सकती है, लेकिन हर एक के ऊपर डिपेंड है कि कौन व्यक्ति इनके साथ ये चीज़ें साझा करने के लिए रेडी है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है कंसोलिडेशन। कहीं ना कहीं पे आप दोनों का जो मन है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि ये कुछ सवाल क्रिएट कर रहे हैं, उनको सही जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप इनको हेल्प कर सकते हो। अगर इनके कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी क्लियर होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये डाउट बढ़ते जाएंगे तो रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली इनसे सवाल पूछें और इन डाउट्स को क्लियर कर दें। देखते हैं हमें थर्ड कार्ड क्या मिलता है। हियर वी गो, जो थर्ड कार्ड हमें मिला है
वो है हरेड मैरिज। अब ये कार्ड यहाँ पे आ गया है तो मे बी ये उन कपल के बारे में है जिन्होंने जल्दबाजी में शादी की है, या फिर प्लान कुछ और था कि काफ़ी सालों बाद शादी करेंगे लेकिन पहले ही शादी कर दी। ऐसे कपल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू बी देमसेल्व्स, यू नो, किसी से कंपैरिजन नहीं करनी है, बस अपनी ज़िंदगी जीनी है, एंड दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई वो है प्रेगनेंसी, तो मे बी किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी कपल के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड मे बी या फिर ये सोच रहे हैं रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग के लिए, तो दैट इज़ द वन थिंग अबाउट देम। अगर ये उनके दिमाग में है तो चल बिचल हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली एंजल ओरैकल से हमें क्या रीडिंग मिलते हैं। सिर्फ हम चुनेंगे एक कार्ड एंड दैट्स इट, देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलता है आज की बातें में, आज के दिल की बातें, एंड दैट इज नॉट द राइट टाइम। ये कार्ड आ गया है, इसका मतलब है कि यू नो जैसे कि इनके लिए आ गया था ट्विस्ट एंड टर्न्स, की बहुत सी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी मोस्टली। उसी तरीके से नॉट द राइट टाइम, अगर ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, अभी जस्ट मिले थे या फिर मिलना बाकी था, तो शायद वो सही समय नहीं हो सकता, तो इनके लिए थोड़ा और वेटिंग पीरियड यहाँ पे है। साथ में अगर आपको और कुछ अपने पर्सनल काम करने हैं या फिर कुछ बैंकिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए भी आप अपना समय ले सकते हैं और थोड़ी देर बाद इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। रीडिंग आई होप इट इज राइट, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।